नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। आज बात उस सनकी तानाशाह की जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। बात किम जोंग उन की है। किम जोंग की सनक मिजाजी के चलते खुद उसी के मुल्क के 200 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए। लगातार परमाणु परीक्षण कर दुनिया भर में खलबली मचाने वाले उत्तर कोरिया को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण साइट पंगिरी पर एक सुरंग के ढहने से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जापानी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बीते 3 सितंबर को उत्तर कोरिया ने छठवां और सबसे बड़ा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उसके कुछ ही दिन बाद यह हादसा हुआ। इसकी जानकारी अब निकलकर सामने आई है। जापान के एक टीवी चैनल ने उत्तर कोरिया में मौजूद अपने सूत्रों के हवाले से बताया है कि शुरुआत में करीब 100 मजदूर वहां फंसे थे। इसके बाद राहत और बचाव कार्य के दौरान सुरंग में घुसे 100 और लोगों की जान चली गई। इसी तरह सुरंग में कुल 200 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए। परमाणु परीक्षण के चलते ही हादसे के हालात पैदा हुए। विशेषज्ञों ने इससे पहले चेतावनी भी दी थी कि अंडरग्राउंड टेस्ट की वजह से पहाड़ गिर सकता है और चीन बॉर्डर के नजदीक रेडिएशन लीक हो सकता है। इस न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर 2006 से लेकर अब तक 6 परीक्षण किए जा चुके हैं। 3 सितंबर को हुए छठवें परीक्षण के एक दिन बाद सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के मुताबिक विस्फोट के चलते इलाके में भूस्खलन हुए। धमाके के चलते पहले 6.3 तीव्रता का भूकंप भी आया और फिर कुछ मिनटों बाद 4.1 तीव्रता का एक और भूकंप आया था। जापान के आकलन के मुताबिक उत्तर कोरिया ने 3 सितंबर को जिस हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था वो 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 8 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि परीक्षण के बाद यहां की जमीन ढीली और कमजोर हो गई थी। बता दें कि उत्तर कोरिया अपने यहां होने वाले हादसों को कभी स्वीकार नहीं करता है, खास तौर पर परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हादसों को लेकर तो बिल्कुल नहीं। उधर दक्षिण कोरिया के मंत्री ली जुगेन ने कहा है कि हमें इस रिपोर्ट की जानकारी मिली है, लेकिन हम इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया में हुए इस हादसे की रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह दक्षिण कोरिया के दौरे पर जा रहे हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और ट्रंप के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। टीम क्राइम रिपोर्ट। उत्तर कोरिया के प्रशासन में कभी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके एक पूर्व अधिकारी का दावा है कि किम जोंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और किसी भी वक्त बतौर उत्तर कोरिया के शासक के तौर पर किम जोंग का आखिरी वक्त हो सकता है। उत्तर कोरिया के प्रशासन में कभी महत्वपूर्ण पद पर रह चुके एक पूर्व अधिकारी ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है
कि बढ़ते घरेलू विद्रोह से किम जोंग उन का शासन अधिक दिन नहीं चल सकता है और वे सत्ता से जल्द बेदखल हो सकते हैं। पूर्व अधिकारी ने सैन्य दखल के नतीजों को लेकर आगाह भी किया है। थाई योंग हो कभी किम जोंग उन शासन में शीर्ष पद पर रह चुके उन अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने हालिया सालों में उत्तर कोरिया के शासक का साथ छोड़ दिया है। उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों को लेकर उसके और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच बुधवार को थाई ने अमेरिका के प्रतिनिधि सभा में विदेश मामलों की समिति के समक्ष अपनी बात रखी। उनका अधिकतर बयान इसी बात पर केंद्रित था कि साल 2011 में तत्कालीन शासक किम जोंग द्वितीय के निधन के बाद किम सत्ता में आए और फिर उनके देश में किस तरह के बदलाव आए। ब्रिटेन में पूर्व उपराजदूत रहे थाई योंग हो साल 2013 में दक्षिण कोरिया चले गए थे। अधिकारी ने कहा है कि किम जोंग उन अपने आतंक के शासन के माध्यम से अपनी शक्ति को संगठित करते प्रतीत हो रहे हैं, जबकि इसके साथ ही उत्तर कोरिया के अंदर भारी और अप्रत्याशित बदलाव भी हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुक्त व्यापार फल फूल रहा है, अधिक से अधिक लोग मुक्त और पूंजीवादी शैली के बाजार का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकारी सामाजिक आर्थिक प्रणाली अब लगभग फुला दी गई है। थाई ने कहा है कि देश के कल्याणकारी तंत्र अब बर्बाद हो चुके हैं, रिश्वतखोरी और सरकारी संपत्तियों का गबन अब आम हो चुका है। थाई ने यहां तक कह दिया कि उत्तर कोरिया सरकारी प्रचार की परवाह नहीं करता, लेकिन वहां अवैध रूप से दक्षिण कोरियाई फिल्मों और नाटकों को आयात किया जाता है। थाई ने दलील दी है कि यह बदलाव उत्तर कोरिया में बढ़ते संभावित गृह युद्ध के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अब अधिकतर लोग हकीकत को धीरे धीरे जानने लगे हैं और उनके सब्र का बांध अब टूट सकता है। टीम क्राइम रिपोर्ट। किम जोंग का पूरा परिवार सत्ता नशी रहा है और इसका सबूत यह है कि पिछले करीब 70 सालों से उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग के परिवार के ही हाथों में रही है और अब एक दफा फिर उत्तर कोरिया की कमान किम जोंग के बजाय उसी के परिवार की एक महिला के हाथों में जाने की संभावना है और इसकी तस्दीक खुद किम जोंग ने अपने किए एक फैसले से की है। दुनिया का सनकी तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों खुद डर के साए में जी रहा है। माना जा रहा है कि किम जोंग को अब अपनी मौत का खौफ सता रहा है, इसीलिए उसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। किम ने अपनी बहन किम यो जोंग को अपनी पार्टी में एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है कि आने वाले दिनों में जब किम नहीं होगा तब उसकी बहन ही उसकी सल्तनत को संभालेगी और किम जोंग के छोड़े हुए रुतबे को आगे बढ़ाएगी। अपनी बहन को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का मतलब यही है कि किम जोंग को अपनी मौत का डर सताने लगा है। पिछले 70 सालों से किम का परिवार ही उत्तर कोरिया का सर्वे सर्वा है और अब जब किम को अपने गुनाहों के अंजाम का खौफ है, ऐसे में अपनी बहन किम यो जोंग को अपनी पार्टी में एक अहम हिस्सा सौंपा है। उससे पहले भी उसकी बहन को किम जोंग के पीछे अक्सर देखा जाता रहा है। कैमरा पर्सन लतीफ के साथ सलील श्रीवास्तव, लाइव टुडे। दरअसल किम ने अपनी बहन को पार्टी के पोलित ब्यूरो का वैकल्पिक सदस्य बनाया है। बता दें कि ये वही पोलित ब्यूरो है
जिसके जरिए ही किम जोंग उन अपने निर्णायक फैसले लेता है। दुनिया से अलग थलग पड़े इस देश की सत्ता 1948 से ही किम परिवार के हाथों में रही है और बहुत संभव है कि आगे की सत्ता भी किम जोंग उन के परिवार के हाथ में ही रहेगी। अब ये जानना दिलचस्प हो गया है कि आखिर किम यो जोंग कौन है जिस पर किम जोंग उन इतना भरोसा जता रहा है। दरअसल किम यो जोंग अक्सर अपने भाई किम जोंग उन के साथ उसके फील्ड दौरों पर दिखती रहती है। वो पार्टी के प्रचार अभियान में प्रमुखता से शामिल होती है। यो जोंग का जन्म 26 सितंबर 1987 को हुआ था और उसे किम जोंग उन का बहुत करीबी बताया जाता है। यो जोंग को मधुभाषी बताया जाता है। उसके व्यक्तित्व में टॉम वॉय की छवि भी झलकती है। टीम क्राइम रिपोर्ट। और अब आइए आपको किम जोंग की वहशी दुनिया की उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं जो उसे दुनिया के सबसे बड़े शैतानों की फहरिस्त में अव्वल दर्जे का बताती है। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह, जिसे माफी शब्द से भी नफरत है। यहाँ सिर्फ मौत परोसी जाती है। कोई नहीं जानता कब, किसे, कहाँ, कैसे मौत के घाट उतार दिया जाए। यहाँ कदम कदम पर जिंदगियों पर पाबंदी है। किसे क्या करना है, क्या नहीं, धर्म से लेकर देश के लोगों के कपड़े तक किम जोंग ही तय करता है। उत्तर कोरिया का एक ऐसा तानाशाह जिसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में कुख्यात है। ऐसा तानाशाह जिसके लिए मौत की सजा देना सिर्फ एक खेल है, वो भी बच्चों का। उसके सामने जुबान खोलने वाला मिनटों में खाक कर दिया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि उसे आखिर दुनिया का सबसे सनकी क्रूर तानाशाह क्यों कहा जाता है। आखिर क्यों उसका खौफ उत्तर कोरिया के हर नागरिक के दिलो दिमाग में बसता है। फूफा को डलवाया 120 शिकारी कुत्तों के सामने। तो 2013 में अपने ही फूफा को बेरहमी से मरवा दिया था। इससे पहले उत्तर कोरिया में ऐसी खौफनाक सजा कभी किसी को भी नहीं दी गई थी। जिस फूफा को सनकी तानाशाह ने मरवा दिया था, उसी ने इसे सियासत की बारीकियां सिखाई थी। किम जोंग को लगने लगा था कि उसके फूफा का कद उससे बड़ा हो रहा है, इसलिए उन्हें शिकारी कुत्तों के सामने परोस दिया गया। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार बात ओसामा बिन लादेन के उस ख्वाब की जो कश्मीर को लेकर उसने पालित रखे थे।
दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उससे जुड़े कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे यह पता चलता है कि कश्मीर को लेकर ओसामा की सोच क्या थी और वो क्या लगातार कश्मीर में होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखता था। ओसामा बिन लादेन का नाम तो आपने सुना ही होगा। अब उसके खात्मे के 6 साल बाद कई खुलासे किए गए हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराने वाले ऑपरेशन से जुड़ी 4,70,000 फाइलें जारी की। साल 2011 में अमेरिका ने एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के तहत लादेन को मार गिराया था। ये चौथा मौका है जब CIA ने लादेन से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें और कंप्यूटर फाइलों को जारी किया है। सारा मटेरियल CIA ने उस वक्त जब्त किया था जब उसने लादेन को मारने के लिए ऑपरेशन जेरेनिमो चलाया था। इससे पहले CIA ने मई 2015, मार्च 2016 और इसी साल जनवरी में लादेन से जुड़े कुछ दस्तावेज जारी किए थे। इन फाइलों से ही पता लगा है कि लादेन कश्मीर में चल रही गतिविधियों और 2008 मुंबई हमला मामले में पाकिस्तान अमेरिकी आतंकवादी डेविड कोलेमैन हेडली के खिलाफ चल रहे मुकदमे के खंडाक्रमों पर पैनी नजर रखता था। इन्हीं फाइलों में ओसामा के बेटे की शादी का वीडियो और सऊदी में जन्मे आतंकवादी की डायरियां शामिल हैं। दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि ओसामा लश्कर तैयबा से जुड़े हेडली की गिरफ्तारी की खबरों पर करीबी नजर रखे हुए था और भारत के कुछ शीर्ष प्रकाशनों का नियमित पाठक भी था। अहमदाबाद में ओसामा के कंप्यूटर से एक आर्टिकल उमर शेख्स पाक हैंडलर एलियास कश्मीरी आल्सो हैंडल्ड हेडली मिला है। यह आर्टिकल 16 नवंबर 2009 का है। ओसामा के कंप्यूटर पर एक अलग फाइल में श्रीलंका गार्जियन में प्रकाशित फेयर ऑफ एयर बॉन्ड टेररिस्ट स्ट्राइक्स इन इंडिया UK आर्टिकल भी मिला है। लादेन के कंप्यूटर से हेडली और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी तार के बीच सांकेतिक संवाद के बारे में एक और आर्टिकल मिला है। यह खबर 15 नवंबर 2009 को एक इंग्लिश डेली ने जारी भी की थी। लादेन के कलेक्शन में बच्चों की आंट्स, चिकन लिटिल, कॉर्स जैसी कार्टून फिल्में तो हैं ही। खुद ओसामा बिन लादेन को लेकर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री फिल्में और BBC के अलावा नेशनल जियोग्राफिक की वर्ल्ड्स वर्स्ट बैनम, इनसाइड द ग्रीन बैरेट्स और कुंग फू किलर जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी मौजूद थी। CIA के अनुसार ऐसे दस्तावेज और वीडियो भी मौजूद थे जिनसे अलकायदा के भीतर हो रहे झगड़ों और उसके आतंकवादी नेटवर्क और सहयोगी संगठन के बीच उभर रहे मतभेदों की भी जानकारी मिलती है। ओसामा बिन लादेन इस तरह 1,00,000 से भी ज्यादा वीडियो के जरिए अपनी बोरियत को दूर करता था और खुद को अपडेट रखता था। बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन या फोन कनेक्शन के छिपा रहा ओसामा फिल्मों के अलावा नोआम चोम्स्की और पॉप वुडवर्ड की लिखी किताबों, नेटफ्लिक्स वाई की डॉक्यूमेंट्री और पॉर्न फिल्मों में भी रुचि रखता था। टीम क्राइम रिपोर्ट। ओसामा पॉर्न फिल्मों का शौकीन था और वो बाकायदा पॉर्न वीडियोस का कलेक्शन भी अपने साथ रखता था। खुलासा इस रिपोर्ट में। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े हजारों दस्तावेज जारी किए हैं। इसमें दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी माने जाने वाले ओसामा बिन लादेन के दस्तावेज भी शामिल हैं,
जो 2011 में उसके पाकिस्तान आवास पर बड़े पैमाने पर हुई छापेमारी में बरामद हुए थे। इसमें लादेन के हाथ से अरबी भाषा में लिखा गया 200 पेज का एक जर्नल, बेटे की शादी का वीडियो और हॉलीवुड की कई फिल्में भी शामिल हैं। खास तौर से उसे कॉमेडी फिल्में ज्यादा पसंद थी। वो कार्टून फिल्में भी देखता था और पॉर्न फिल्मों का भी शौकीन था। कहा जा रहा है कि लादेन के पास हजारों की संख्या में वीडियोस का कलेक्शन था। उसके पास से चार्ली बिट माय फिंगर का वीडियो भी मिला है, जिसमें एक लड़के और उसके छोटे भाई की कहानी है जो उसकी उंगली काटता था। उसके पास से क्रोशिया कढ़ाई के कई वीडियोस भी पाए गए हैं। लादेन के वीडियो कलेक्शन में कई कॉमेडी फिल्में भी शामिल थी। इनमें आंट्स, चिकन लिटिल और द थ्री मस्कीटर जैसी फिल्में भी शामिल थी। CIA डायरेक्टर माइको पोमियो ने कहा है ये दस्तावेज अमेरिकी लोगों को आतंकी संगठन के कामकाज के तरीके और उनकी योजनाओं के बारे में जानने का मौका देंगे। हालांकि ऐसे कई दस्तावेज या सामान भी हैं जिन्हें अभी जारी नहीं किया गया है। CIA ने कहा है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील है और इसीलिए इन्हें जारी नहीं किया गया है। दस्तावेजों में लादेन के बेटे हमजा बिन लादेन की जवानी की तस्वीरें भी मौजूद हैं। हालिया सालों में अलकायदा हमजा को आतंकी संगठन के प्रमुख चेहरे के रूप में प्रचारित करता रहा है। हालांकि कोई उसकी हालिया तस्वीर नहीं जारी की गई है। इसके साथ ही दस्तावेजों से पता लगा है कि अलकायदा के ईरान से कैसे संबंध थे और इराकी विद्रोह में उसका कितना हाथ था। आपको बता दें कि लादेन से जुड़ी चीजों को चौथी बार सार्वजनिक किया गया है। उसे अमेरिका खुफिया एजेंसी द्वारा एबटाबाद में मई 2011 में मार गिराया गया था। टीम क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन लाइव टुडे पर देश और दुनिया की तमाम खबरें लगातार जारी हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।